मेरा नाम एलसी है। मणिपाल मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में काम करती हूँ, आशा नर्सिंग इंचार्ज। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज यही है। मैं जॉब करने के लिए सोचा तो सबसे पहले मेरे घर वालों ने मुझे मना कर दिया था। फिर केरला से दूसरा जयपुर अदर स्टेट घूमना और स्पेशली जयपुर, उधर का लैंग्वेज के प्रॉब्लम और रहना रहना और इन सब के लिए, तो ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ा चैलेंज है। मैंने ऐसे ओवरकम किया, सबसे पहले इधर का लैंग्वेज सीखना शुरू कर लिया और जो स्टाफ साथ में ड्यूटी करते हैं उन लोगों के साथ मोटो, उन लोगों ने अच्छा मुझे मोटिवेट किया, इधर का काम कैसे करता है उसी के साथ करने के मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने ये डिसीजन किया इधर ही कंटिन्यू कर लूँ। मेरे लाइफ में मेरी सपोर्टर तो है, सबसे पहले जयपुर में आने के बाद तो मेरी आइडियल तो डॉक्टर सुषमा शर्मा है। मैं शुरू में जयपुर ज्वाइन करने आने के बाद मैं ड्यूटी ज्वाइन किया तब से लेकर के जो मेरे इस कदम तक मेरे खड़े होने में उनकी बड़ी सपोर्ट है। हाँ रियली मैंने किसी को हेल्प इसलिए किया था, हमारे एक स्टाफ है साथ में काम करते हैं, लास्ट लॉकडाउन में वो फुल टाइम प्रेगनेंसी चल रहा था, केरला से किसी को नहीं आना, उनके हस्बैंड भी बाहर रहते हैं और फ्लाइट सारी बंद हो गया था, उनकी बिल्कुल क्या करना है ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बिल्कुल अकेली हो गए थे, वो भी जयपुर में भी, वो अकेली अभी थोड़ी सी दिन से जयपुर आई हुई थी। और मैंने बाद में ये डिसीजन लिया था, उनसे बात करके मेरी घर पे बात करके मैंने फाइनली उसके घर शिफ्ट होकर उसकी बड़ी सपोर्ट करके थ्रू आउट उसका डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी प्री एंड पोस्ट दोनों मैंने इसको LCS था सब कुछ करके एज ए मदर पूरी सपोर्ट करके उनको हेल्प किया।